ये मालदीव के साथ हमारे दशकों पुरानी जो रिश्ता, उसमें भी दरार पैदा होते जा रहे हैं। आज की तारीख तक जहां जब जब चुनाव हुई और मालदीव के प्रधानमंत्री चुने गए, वो प्रधानमंत्री सबसे पहले अगर विदेश में जाते हैं, विदेश कोई दूसरे मुल्क में जाते जाने के पहले सबसे पहले उनके पसंदीदा होते थे हिंदुस्तान। ये पहली बार हो रहे हैं जहां जब मालदीव के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं, बजाय जा रहे हैं चीन, और चीन धीरे धीरे मालदीव में भी आपका अपना पैर जमा रहे हैं। ये भी हमारे लिए बड़े चिंता की मुद्दा है। मालदीव में हमारे जो फौज थी उसको हटाने की आदेश दे चुके हैं मालदीव। मालदीव के साथ हम ये हमारी देश की सरकार जो करार किए थे कि हाइड्रोग्राफिक एक सर्वेलेंस करने के लिए, उनको भी रद्द कर दिए गए। मतलब धीरे धीरे मालदीव के साथ हमारा दशकों पुरानी जो दोस्ती का रिश्ता थे वो भी आज धीरे धीरे दरार पैदा होने के चलते काफी नाजुक होते जा रहे हैं। चुनाव हुआ था मालदीव में, चुनाव में नारा किया था इंडिया आउट। ये सोच सकते कोई देश कि दूसरे विदेशों के खिलाफ एक नारा लगाते हुए चुनाव हो रहे मालदीव में, चुनाव का नारा इंडिया आउट, अर्थात मतलब इंडिया तुम बाहर रहो, इंडिया को बाहर कर दो। चुनाव जीतने के तुरंत बाद इंडिया को बाहर करने की सारे हरकत सारे देख रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब हमारे सुरक्षा, मोदी जितने भी G20 करे, जितने भी बड़े बड़े वादा करे, विश्वगुरु जितने भी बने, लेकिन हमारे स्थिति बड़े नाजुक होते जा रहे हैं। हमारी देश के साथ जुड़े हुए जो हमारे पड़ोसी, चाहे नेपाल हो, मालदीप हो, भूटान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश भी हो, चारों तरफ चीन अपने घेरेबंदी करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश सरकार को चीनों ने ये प्रस्ताव भी दे चुके हैं कि वो तीस्ता नदी की सुधारने के लिए हुआ भी विकास की काम करेगी। तो ये सारे मुद्दे को देखते हुए आज सबको बड़ा चिंता हो रही है कि हमारा देश की सुरक्षा क्या धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल वाजिब भी है, क्योंकि जितना ढोल बजाए जा रहे हैं मोदी जी की विदेश नीतियों के ऊपर विश्वगुरु बनाने के लिए, जितने मोदी जी को ढोल बजाए जा रहे हैं, ये ढोल बजाना बंद करें, क्योंकि हमारे सुरक्षा को किसी हालत में खोखला नहीं होने देंगे। ये शपथ लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चीनी सरकार की, चीनी पार्टी की नेतागण आरएसएस की दफ्तर में आके सराहना करते हैं, ये कहां जाए हम लोग। जब लद्दाख में अतिक्रमण हुई थी, मोदी जी कहते थे कि चीन हमारे देश में घुसे नहीं, चीन की कोई फौज घुसा हुआ भी हुआ नहीं, ना हमारे देश में कोई घुसे है ना घुसा हुआ है। यह किसकी बयान थी? नरेंद्र मोदी जी की। मतलब चीनी फौजों की अतिक्रमण में ये एक सर्टिफिकेट दे चुके हैं।